श्री राजपूत कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में देर रात निधन हो गया। कालवी का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। उनका लंबे समय से अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक आने के कारण इलाज चल रहा था। वे एसएमएस के मेडिकल आईसीयू में भर्ती थे। कालवी के निधन की खबर से राजस्थान सहित पूरे प्रदेश भर के समर्थकों में शोक की लहर है। कालवी का अंतिम संस्कार नागौर जिले के उनके पैतृक गांव कालवी गांव में होगा। केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ राजपूत समाज और सभी समाज के लोग कालवी की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था लोकेंद्र सिंह कालवी का, जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट के चलते देर रात उनका निधन हो गया। अब आज ही उनके गांव कालवी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन, देश प्रदेश राजपूत समाज में शोक की लहर है। देखिए ऋषभ, आपको बता दूं, लोकेंद्र सिंह कालवी एक ऐसा नाम है जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और वो भाजपा में भी रहे, कांग्रेस पार्टी में भी रहे, लेकिन जब जब समाज की बात आई तो उन्होंने इन दोनों पार्टियों को छोड़ दिया और एक सामाजिक न्याय मंच की स्थापना की और इसके बाद भी वो करणी सेना के माध्यम से राजपूत समाज को एकजुट करने में कामयाब रहे। और करणी सेना ने जो है जोधा अकबर के समय, जोधा अकबर में जिस तरह से हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई उसको लेकर विरोध किया और पूरी देश में करणी सेना चर्चा में आई और उसके बाद से करणी सेना का जब भी किसी ऐतिहासिक मामले को छेड़छाड़ करने की कोई बात आती फिल्मकारों के द्वारा या अन्य के द्वारा तो करणी सेना ने पूरे पुरजोर तरीके से विरोध जताया और लोकेंद्र सिंह कालवी उसके संरक्षक रहे, संस्थापक रहे। उसके बाद में पूरे देश में करणी सेना का गठन हुआ, कई नेता बने, अजीत सिंह मामडोली, सुप्रिय सिंह गोगामेडी जी, तमाम लोगों ने इस बागडोर को संभाल रखा है और उनका निधन राजपूत समाज के लिए नहीं प्रदेश के लिए भी बड़ी क्षति है। और सबसे बड़ी बात है कि ऋषभ, वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे लंबे समय तक, भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य रहे, उनके पिता सांसद रहे जी। तो उन्होंने एक पहचान बनाई। तो सबसे खास बात है कि करणी सेना की स्थापना करके उन्होंने पूरे देश में जो राजपूत समाज था उसको एकजुट करने का काम किया और जिस तरह से फिल्मों में कई बार जो है राजपूत समाज को लेकर, राजपूत समाज की छवि को लेकर दुष्प्रचार किया जाता था, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, उसका उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू किया। नतीजा आप देख रहे हैं कि अब फिल्मों में इस तरह की कोई बात आती है तो करणी सेना सबसे पहले उसका विरोध भी करती है और सामाजिक लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने शुरू की और आज पूरे देश में उनकी लंबी चौड़ी जो है करणी सेना के लोग कार्यकर्ता है और तमाम लोगों में उनके निधन से शोक की लहर है। और वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका निधन हुआ, ये राजपूत समाज के लिए और प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। ऋषभ, नीरज जी, मैं चाहूंगा एक बार इन लोकेंद्र सिंह कालवी के राजनीतिक जो करियर रहा, हालांकि 2014 के बाद उनका मोह भंग हो गया ऐसा कहा जाता है, उस पर भी आप एक कुछ जानकारी साझा करें हमारे साथ। ऋषभ, मैं लोकेंद्र सिंह कालवी जी जो है पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कल्याण सिंह कालवी के सुपुत्र रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी से उनका लंबे समय तक जुड़ाव रहा, भारतीय जनता पार्टी में वो टिकट के दावेदार थे लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको टिकट नहीं दिया गया, तब उन्होंने देवी सिंह पाटिल जी के साथ मिलकर सामाजिक न्याय मंच का गठन किया और पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ाए, उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ाए। उस समय देवी सिंह पाटिल, लोकेंद्र सिंह कालवी जो है
तमाम समाजों के अग्रणी नेता बन गए और उन्होंने पूरे एक राजनीतिक पार्टी का गठन करके अपने व्यवस्था कायम की। उसके बाद वे जो है करणी सेना की स्थापना उन्होंने की, संस्थापक बने। और विक्रम जब जोधा अकबर जब खबर जब फिल्म आई तो उसमें राजपूत समाज को लेकर और जोधा बाई को लेकर काफी टिप्पणियां की गई थी, तो इसको लेकर वो चर्चा में आए और पूरे देश में करणी सेना। जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक अजीत सिंह मामडोली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत सिंह जी, लोकेंद्र सिंह कालवी जी का निधन, किस आप पूरे करणी सेना में एक शोक की लहर है, प्रदेश में है, देश में है, आप क्या कुछ जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ? देखिए, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब हमारे समाज की वो महान शख्सियत थी कि देश के किसी भी कोने में अगर राजपूत समाज पर कोई विपदा आती थी तो सबसे पहले चट्टान की तरह खड़े रहने वाले एक लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ही हमारे साथ थे। आज कई करणी सेनाएं बन गई, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ आज ये कह सकता हूं कि सभी करणी सैनिकों को उंगली पकड़ करके अगर किसी ने चलना सिखाया तो वो लोकेंद्र सिंह जी कालवी थे। और ये हमारे समाज के लिए इतनी बड़ी क्षति है जिसे शायद निकट भविष्य में या कभी भी पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। उनके काम, उनके द्वारा दिए गए संस्कार, उनके विचार सदैव हमारे दिलों में अमर रहेंगे। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि हृदय की गहराइयों से हम सब समर्पित करना चाहते हैं। अजीत सिंह जी, आपने एक लंबा समय लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ बिताया है, कुछ उसकी आप जानकारी साझा करना चाहें, नेचर कैसा था, किस तरह से जो मुद्दे थे उनको उठाते, कि सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते थे लोकेंद्र सिंह कालवी? देखिए, सही शब्दों में यदि कहा जाए तो वो एक धरती पुत्र थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। किसी भी गांव में, ढाणी में वो व्यक्तियों को उनके नाम से जानते थे जी। 2006 में जब ये करणी सेना बनी, सबसे प्रथम इसका अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत लंबे समय तक हमने कालवी साहब के साथ काम किया। और इस बात में मुझे कोई संकोच नहीं है कि कहीं कहीं हमारे वैचारिक मतभेद कभी कभी हो जाया करते थे, लेकिन कालवी साहब इतने प्रैक्टिकल थे कि मतलब उनको किसी किसी अपने गांव में, शहर में, ढाणी में वो सड़कें, वो गड्ढे, वो बावड़ियां, मतलब इतनी जानकारियां थी उनके पास में जी। और पूरे समाज को एक संरक्षक के रूप में, एक पितामह भीष्म के रूप में उन्होंने जो हमारे जहन में वो हमेशा सदैव जिंदा रहेंगे। और सबको मैं कहना चाहता हूं कि उंगली पकड़ के अगर हमको किसी ने सिखाया तो वो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब थे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अजीत सिंह मामडोली जो राष्ट्रीय संयोजक हैं करणी सेना के, उन्होंने जानकारी साझा की। तो लोकेंद्र सिंह कालवी का बीती रात SMS अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद राजपूत समाज देश प्रदेश में शोक की लहर है।